शाजापुर जिले में जन सहयोग अभियान के तहत साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर दिनेश जैन ने चिलर नदी में साफ सफाई का दौरा किया। इसी बीच विकलांग व्यक्ति को कलेक्टर से मिलवाया। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 10,000 का चेक प्रदान किया। राशि प्राप्त कर राजेश चौधरी खुश हो गए। वहीं कलेक्टर ने वृद्धाजनों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से पेंशनर्स पेंशन संबंधी समस्याओं को व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ताकि पूरी नगर की जनता को पता है कि 1 जून से 7 जून तक चिल्लर नदी पर सफाई का अभियान, श्रमदान का अभियान जन अभियान परिषद वंदे मातरम ग्रुप के तत्वाधान में चल रहा है। वहाँ पर आज सुबह 11 बजे चिल्लर नदी के तट पर कलेक्टर महोदय ने मॉनिटरिंग के लिए, इस 7 दिन के अभियान का मॉनिटरिंग का काम श्री कलेक्टर महोदय ने लिया है। उन्होंने इस नदी में से 2 ट्राली गंदगी कचरा निकाला। आज हमने देखा वहाँ पर 100 ट्राली से ज़्यादा कचरा और डंपर से ज़्यादा कचरा बाहर हो गया है। उनके प्रयास से ये चमत्कार दिखाया इसी नदी ने कि मेरे को आज मैं इसके पावन चरणों में रहता हूँ, इसी के पास में, और इसी ने मुझे आज कलेक्टर साहब द्वारा राशि मिली दी हुई है। ये 10,000 रुपये आज कुछ ही मिनटों में, आज सुबह में इसी नदी के पास में भीमघाट है, उनके पास मिला और निवेदन किया तो उनने कुछ ही मिनटों में मेरी सहायता की, मेरी बात सुनी और मेरी काम करवाई। ये माँ देखिए, जिला प्रशासन का ये प्रयास रहता है कि जो वृद्ध हैं या विकलांग हैं तो उनकी जो भी मदद वो चाहते हैं वो मदद तत्परता से हो जाए। तो अभी सुबह मुझे राजेश जी वहाँ भीमघाट पर चिल्लर नदी की सफाई के दौरान आप लोगों ने अवगत कराया था कि उनको प्रॉब्लम है और ये कुछ आर्थिक मदद चाहते हैं, जिससे कि अपना रोज़गार वगैरह कर सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने रेड क्रॉस से अभी इनकी मदद की है और आगे भी जो है बैंक वगैरह से इनको कोशिश करेंगे कि लोन मिल जाए।